अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपनी प्लेटिना अब अपनी हो चुकी है, अपनी एकदम। हेलो भाई, मैं वंकित भाई, जिसका इंतजार था ना बहुत दिन से, फाइनली वो आ ही गया। एनओसी अपना आ चुका है, अब अपनी गाड़ी का प्रूफ हो जाएगा। चलते हैं फटाफट लेके आते हैं, कुछ चेंज भी ले लेता हूँ भाई। कहीं पोस्ट ऑफिस वाला मांगने लगेगा तो देना पड़ेगा ना भाई, फोन पे कौन करेगा उसको। सरकार हमारे लेके आए हुए हैं। चलो जी भाई, अपने हाथ लग गया अपना एनओसी, लेके चलते हैं घर पे। उन्होंने एक रुपया लिया तो नहीं भाई, तो आ जाओ भाई, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। ये चश्मा मैंने थोड़ा हवाबाजी के लिए लगा दिया था। देखो भाई, ऐसे टाइप का अपने को मिला है पर्ची, ये लेटर वगैरह है। यहाँ पे बजाज लिमिटेड ये लिख रखा है भाई, रजिस्टर्ड बोर्ड, ये नंबर वगैरह देख सकते हो आप। अगर इस साइड दिखाऊं तो ये टोकन है भाई, जो 2700 रुपये इन्होंने जमा करा है ना, मेरे पास आया है, वही वाला सीन है। बाकी इसको निकालूं तो ये निकलता है बस अपना, इसके अलावा ये पूरा खाली है भाई, मतलब इसका कोई ज़रूरत नहीं है। मेन ये चीज़ है अपना। अभी इसको ओपन करूँ तो देखो ये लिख रखा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब एनओसी का मतलब यही होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखो लोन नंबर लिख रखा है, राकेश कुमार के नाम पे गाड़ी है। बाकी गाड़ी नंबर मैं आपको गाड़ी नंबर दिखाऊं तो देखो 5048 है ना, 5048। इसके अलावा प्लेटिना 110 डिस्क ब्रेक भी है 6। बाकी यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह लिख रखा है। और इसके अलावा सेकंड पेज पे देखें, इसमें बहुत सारा पेज है यार। ये फॉर्म 35 नोटिस ऑफ टर्मिनल एग्रीमेंट हायर परचेज, अच्छा, मतलब ये जब बेचोगे ना ये काम आएगा भाई। बाकी वैसा फॉर्म एक और है। और इसके अलावा ये इनका एड चिपका रखा है इन्होंने, पिन मार रखा है। यहाँ पे डेट वगैरह भी लिख रखा है, जिस दिन मैंने फ़ोन किया था ना उसी दिन का ये डेट है, मतलब 17 को किया था, तो शायद से इन्होंने 18 को मतलब ये प्रिंट वगैरह करके भेजा हो। बाकी यहाँ पे देखोगे तो ये बजाज का इन्होंने स्टिकर भी चिपका रखा है। बाकी यहाँ पे कल्याणी का सिग्नेचर है और ऑथोराइज सिग्नेचर, ये सब है भाई। एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई कि लिख रखा है इन्होंने, दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड ओनली द होलोग्राम फॉर ए पीरियड 120 डेज, मतलब 120 दिन तक ये डेट इशू, RTO 35 ड्यू सिग्नेचर अटेंड हेयर विद, मतलब इनका कहना है भाई ये जो पेपर हमने भेजा है इसका वैलिड मात्र आपका 120 दिन तक ही है। अब भाई इनका मेरे को जो है तामझाम समझ आ गया। पता है जब हमने गाड़ी खरीदा था उस टाइम गाड़ी कंपनी वालों के नाम पे ही था, मतलब ये बस लिखा हुआ है हमारे नाम पे है, लेकिन नहीं भाई, गाड़ी असली में कंपनी के नाम पे ही होता है। जब लोन पे अगर आप गाड़ी लेते हो तो कंपनी के नाम पे ही होता है, तो जब आप EMI वगैरह चुका देते हो तो आपको ये NOC मिलता है, वही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब कि हमने पूरा लोन चुका दिया, अब आप जाके RTO से अपने नाम पे गाड़ी करा सकते हो, तो ये सीन होता है भाई। तो वही इन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, तो ये RTO वाले देखेंगे, फिर उसके बाद हमें अप्रूवल देके हमारे नाम पे गाड़ी कर देंगे। ये जब तक मेरे को ना मिले ना भाई, तब तक भाई मैं अपनी गाड़ी को अपनी नहीं कह सकता, बजाज वालों का ही वो धन है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अपनी प्लेटिना अब अपनी हो चुकी है, अपनी एकदम। बजाज फाइनेंस LTD, मतलब प्रपोज कोड अभी बजाज फाइनेंस LTD, मतलब इनके कहने का मतलब अभी गाड़ी भाई आपकी नहीं हुई है, अभी बजाज का ही है। अब मैं ये ले जाके जमा कर दूंगा ना RTO में, तब जाके मेरे को नया RC मिलेगा, उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि ये गाड़ी अपनी हो चुकी है। तो इनका ये सीन है। मैं थोड़ा नूब हूँ भाई इन सब चीज़ों में, पेपर वगैरह के वर्क में, इसीलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आ गया अच्छे से। बाकी का आगे क्या प्रोसीजर होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि भाई आज मैं नहीं जा रहा, मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँगा फ्री टाइम निकलेगा, तो अभी टाइम नहीं मिल रहा है यार, करिश्मा वगैरह भी लॉन्च हुई है तो उसका भी कंपैरिजन वगैरह वीडियो बनाना है ना, तो टाइम वगैरह तो थोड़ा अभी नहीं मिलेगा, 2-4 दिन बाद ही जाऊँगा, क्योंकि 120 दिन का टाइम है ना। बाकी अब बहुत भाइयों के मन में ये क्वेश्चन तो ज़रूर होगा कि ये आपने मंगवाया कैसे। देखो मंगवाने का भाई 2-3 तरीका है, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, अब मेरे को पता चल गया ना। सबसे पहले तो आपको शोरूम वगैरह में नहीं जाना भाई, फालतू में क्यों चक्कर काटना। बजाज वालों का एक टोल फ्री नंबर है NOC का, मैं आपको टोल फ्री नंबर दिखाता हूँ, ले पकड़ भाई थोड़ा सा इसको। तो अगर आप बजाज का बाइक ऑन करते हो, आपका EMI वगैरह कंप्लीट होने वाला है, तो ये नंबर आप सेव कर लेना भाई, ये NOC में काम आएगा। देखो ये नंबर है 85 30 83 32 22। देखो मैं आपको कॉल भी लगा के दिखलाता हूँ, पता नहीं भाई अभी कस्टमर केयर से बात नहीं हो रहा, लेकिन आपको कॉल लगा के इनसे बात करना होगा और बताना होगा कि हमें NOC चाहिए। तो ये क्या करेंगे ना, आपसे एड्रेस वगैरह पूछेंगे, पहले नंबर तो आपसे कुछ वेरिफिकेशन करेंगे भाई, जैसे गाड़ी का नंबर पूछेंगे,
कब लिया था, कितना डाउन पेमेंट किया था, कितना ईएमआई जा रहा था, ये सब पूछेंगे थोड़ा वेरिफिकेशन करने के लिए। तो आप सच्ची सच्ची बता देना और फिर आपको वो बताएंगे कि इतने दिन में आपके पास पहुंच जाएगा। एड्रेस वगैरह लेंगे आपसे कि कौन से एड्रेस पे भेजना है। गाड़ी में जो एड्रेस रजिस्टर्ड होगा वही एड्रेस पे शायद भेज सकते हैं भाई। तो मेरे में तो वैसे ही किया, गाड़ी में जो एड्रेस मेरा ऐड था ना वही वाला एड्रेस पे इन्होंने पोस्ट बाय पोस्ट भेज दिया। तो ये मेरे को कितने दिन में रिसीव हो गया, आज कितना तारीख है को देख लेता हूँ, आज है 30, मतलब मैंने 17-18 को, तो वही भाई 10-12-15 दिन लग जाता है एनओसी आपको रिसीव होने में। बाकी अब आरटीओ वगैरह में जाऊँगा तो कुछ खर्चा होगा तो आपको वो तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन अभी तक मेरा इन सब के चक्कर में 1 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ, लेकिन हाँ टाइम वेस्ट ज़रूर हुआ भाई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई लोन वोन के चक्कर में मत पड़ा करो यार, अगर मान लो कम पैसा है तो सेकेंड हैंड ही गाड़ी ले लो, लेकिन लोन वोन के चक्कर में मत पड़ा करो मेरे हिसाब से भाई। मैं अपना ओपिनियन, जैसे मैं दो दो गाड़ी लोन पे ले लिया ना, तो मेरे को मतलब समझ आ गया भाई लोन का चक्कर कितना ख़राब होता है कितना बढ़िया होता है। इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब अपनी हो ही चुकी है प्लेटिना 110 प्रूफ के साथ। तो चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद। अगर कुछ क्वेरी हो तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन खुला है भाई।